सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल को करीबन 16 लाख रुपए खर्च कर एम्बुलेंस दान में दी थी। एम्बुलेंस देने का मुख्य उद्देश्य रोगियों को आपातकाल में सेवाएं उपलब्ध करवाना है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अस्पताल प्रशासन ने इसे बहुत कम उपयोग में लाया गया और ज्यादातर उपयोग रोगियों के बजाय अस्पताल का सामान ढोने में किया गया है। सूत्रों की माने तो स्टाफ की कमी के कारण ये गाड़ी सोलन के अस्पताल में ही खड़ी रहती थी। कई बार तो इस गाड़ी के चालान भी हुए सफेद हाथी साबित होता देख अब अस्पताल प्रशासन ने तंग आकर इसे नगर परिषद को ही दे दिया है। हास्यप्रद ये है कि नगर परिषद के कर्मचारी अब इसी वाहन में शहर में लग रही अवैध रेहड़ी फेहड़ी चालकों का सामान जब्त किया करेंगे। हैरानी वाली बात ये है कि इस एम्बुलेंस को सरकार ने और क्लब ने मिलकर खरीदा था, जिसने सरकार के भी करीबन 8 लाख रुपए खर्चे हुए थे। नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि सोलन अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें एम्बुलेंस दी गई है, जिसे अब जल्द ठीक करवा देंगे ताकि इसमें कर्मचारी शहर में घूमकर रेहड़ी फेहड़ी चालकों का सामान जब्त कर सकें। वहीं जब इस बारे में एमएस डॉक्टर अशोक हांडा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आरकेएस की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि ये एम्बुलेंस अस्पताल के काम में नहीं आ रही है, इसलिए इसे किसी ऐसी संस्था को दे देना चाहिए जो इसे उपयोग में ला सके। नगर परिषद ने इस वाहन को लेने के लिए हामी भरी तो उन्हें दे दी गई। उन्होंने बताया कि करीबन 10 वर्ष पहले इस एम्बुलेंस को खरीदा गया था और करीबन 50,000 किलोमीटर 10 वर्षों के अंतराल में चली है, जिसे चालक इसलिए नहीं चलाते थे क्योंकि इसके टायर बेहद छोटे थे। यही वजह है कि ये एम्बुलेंस ज्यादातर खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से इसे नगर परिषद को दे दिया गया। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों और आरकेएस के सदस्यों ने बिंगर एम्बुलेंस के टायर छोटे होने का बहाना कर एम्बुलेंस को नगर परिषद को तोहफे में दे दिया, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी जब मुख्यमंत्री का काफिला कहीं चलता है तो उनके साथ जो 108 एम्बुलेंस चलती है तो वह ज्यादातर बिंगर ही है और उनके टायर भी इसी एम्बुलेंस के समान ही है। अस्पताल प्रशासन सारी गाज अब चालकों पर गिर रहा है और बता रहा है कि चालकों को ये एम्बुलेंस चलाना पसंद नहीं था, इसके लिए ये एम्बुलेंस उपयोग नहीं लाई जा सकी। इससे यहाँ ये बात साबित होती है कि चालकों की पसंद और नापसंद देखकर अस्पताल में वाहनों को खरीदा और तोहफे में दिया जा रहा है। सोलन शहर के सरकारी राशन के डिपो में आजकल पानी वाली चीनी मिल रही है। बरसात के मौसम विभाग ये कहकर टाल देता है कि बरसात में नमी के कारण चीनी गीली हो जाती है, लेकिन आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है, ऐसे में चीनी में पानी आना बड़ी बात है। यही कारण है कि अब चीनी की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। चीनी में पानी आने से अब उसमें से बदबू भी आने लगी है। दूध और चाय का स्वाद भी इसके कारण खराब हो रहा है। अगर ये चीनी कोई भी व्यक्ति खाता है तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर इसका खराब असर पड़ सकता है। इसके लिए विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई अमल में लाएं ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य पर कोई खराब असर ना पड़े। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रण मिलाप शौंडिल ने हमारी खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें भी चीनी में पानी आने की सूचना मिल रही है, जिस पर वे जल्द ही डिपो का औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। डिपो में जाकर वे पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर चीनी में पानी आने की वजह क्या है। अगर सिविल सप्लाई से ही उन्हें इस तरह की चीनी सप्लाई हो रही है तो वे इस चीनी को वापस भिजवाएंगे, और अगर डिपो चालक ही कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उस पर भी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।